इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था ग्रेजुएशन सेरेमनी फॉर SLC 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जो कि 2022-23 में पास आउट हुए हैं। इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के फोर्थ बैच के स्टूडेंट्स का 100% रिजल्ट आ चुका है, जहां हाईएस्ट परसेंटेज जो जा रहा है नमीरा को, जिसने स्कोर किया है 95%। 8 स्टूडेंट्स को मिला है डिस्टिंक्शन, 46 स्टूडेंट्स को मिले हैं फर्स्ट क्लास रैंक और बाकी के सभी लोगों को मिले हैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास। तो सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, एक लैंडमार्क अचीवमेंट है बहुत ही यंग स्कूल के लिए। आज ये स्कूल शोल्डर टू शोल्डर चल रहा है ऐसे कई सारे स्कूल जो 100 साल पुराने हैं। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अजहर शेख को इनवाइट किया गया था एज चीफ गेस्ट और जनाब मारू साहब गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे। याद रखिए सभी स्टेट लेवल टॉपर्स को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया था, जिसमें शामिल है उज्मा एमन जो कि स्टेट लेवल 3rd रैंक आए हैं और कोनेन फातिमा जो कि स्टेट लेवल 4th रैंक आए हैं। सभी को ट्रॉफीज और स्टेट लेवल रैंक वालों को जो है अवार्ड दिए गए। साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रैंक स्टूडेंट जो स्कूल के थे उन्हें भी प्राइज दिए गए और बाकी सभी स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए। इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल अपनी लॉन्गेस्ट सर्विस के लिए अपने टीचर्स को भी अवार्ड दिए हैं। शाहिन बेगम टीचर जिन्होंने पिछले 10 साल से बढ़कर यहाँ पर खिदमत दी है और कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने 8 साल से बढ़कर यहाँ पर खिदमत देते आए हैं, ऐसे 11 टीचर्स को भी अवार्ड से नवाजा गया। और याद रखिए अनीस खालमा, शमीम खालमा, उन्होंने भी काफी बड़ा योगदान दिया है स्कूल के अंदर। 8 साल से बढ़कर उन्होंने यहाँ पर सर्विस दी है तो उन्हें भी सर्टिफिकेटों से नवाजा गया है। इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल हाईली फोकस्ड है एकेडमिक एक्सेलेंस और हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन पर। इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल हाईली एक्सपीरियंस किया है, क्वालिफाइड टीचर साथ यहाँ पर मौजूद है जो आपके बच्चों का फ्यूचर जरूर बदलेंगे लर्निंग में। इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के प्रेसिडेंट और फाउंडर इंजीनियर जमीर अहमद और स्टाफ ने सभी पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है क्योंकि 100% रिजल्ट मिला है। بالله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت I thank Almighty Allah for giving us this opportunity to celebrate SSLC students graduation। अल्लाह का एहसान है, जब हम स्कूल को सिर्फ 18 बच्चों से शुरू किए थे 2009 में, अभी अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 1800 बच्चे हैं स्कूल में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे स्कूल के लिए। सिर्फ नंबर बढ़ाना, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इन बच्चों में नई समाज किस तरह से पैदा की जाए। जैसे कि मैं हर बार अपने कई सारे प्रोग्राम में बताते रहता हूं बच्चों को, नई लर्निंग कैसी आए बच्चों में। इंशाल्लाह इनके हमारे काफी फोकस्ड लर्निंग चल रही है। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट जनाब जमीर अहमद साहब एंड ऑल द टीचर्स who have worked hard, particularly this year, in achieving the 100% results. A big round of, a big applause I expect from all the audience. Exam back audience se in sabhi ka himmat afzai kijiye. I will continue, I think, better with Urdu. So the before yesterday, when I met Zameer sir, he said that he is going to, or already implemented a concept called case study concept. So usually this case study concept is taken at the graduation and the undergraduation level. So I was very happy when I learned that even the students of, if I am not wrong, 6th, 7th standards, if I am not wrong, 7th standards, so many of the students, they have taken up the different case studies and they have approached hospitals, even business establishments and even hospitals to take the feedback from the doctors, businessmen and so on and so forth. So this shows that in these teachers or this school is not only bonding the students in the curriculum. I just want to thank them all for their efforts which made it possible for me to become the topper of this school. I am really very blessed to have been admitted in this school. I owe my success to our respected teachers who has helped and guided us in every step throughout the year. They have helped us to overcome our problems related to studies and guided us to reach the zenith and pinnacle of success. And I found the school
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Truly it's a great evening today and I feel extremely delighted to address the gathering. I thank our presenter Mr. Zameer Ahmed sir for giving me this opportunity to stand before you and express my thoughts. I am Zahra Maheen from 10th Standard of Innovative International School. I was admitted in 6th standard here. This year I attempted 10th SSLC board exam and alhamdulillah by the grace of Almighty Allah I got 91.52%. And I am highly grateful to all the teachers, president and founder Mr. Zameer Ahmed sir, my parents and my grandparents for their valuable support, concern and efforts towards me. I am very thankful to all the teachers and the supporting staff for making me capable to stand on this position. To all my juniors, I would like to give some message. Please, please respect your parents. This is because they've given everything for you. They've sacrificed a lot of things and what they were unable to do, they've given for you, like for betterment of your education. The people who are responsible for this astonishing success of mine are probably my parents and my teachers who have supported me through each and every milestone of this entire crucial year of SSLC. First of all, I would like to congratulate Mr. Zameer for his hard work. This innovative international school was established in 2009 and with 18 students. As I heard, I mean, the strength has grown to 1800 students and this year result is 100% of SSLC and most of them are girls. I congratulate all the girl students and I also request all the boys also to concentrate on studies and next time they should overtake the results of girls. I think the reason for such large growth is the quality education what they are imparting to their students. So this is the need of the hour. So many of the students have scored a good result or a good score in their SSLC examination. Particularly the girls have excelled very well. I would like to congratulate particularly the girl students as well as the boy students who have been groomed with the good good teachers or good faculty members. Zameer sir ne 2009 mein iski shuruaat ki thi aur aaj 1800 bachche is Gulbarga North ke ek finest school mein padh rahe hain aur ye fourth batch hai aur main ummeed karta hun ki iske aane wale batches bhi isse aur acche marks score kare. Sare management, sare staff, non teaching staff ko main mubarakbad pesh karta hun और तमाम व्यूवर से गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चों की मेहनत को रायगा ना करें और कोशिश करें उनके सारे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने की और कोशिश करें उनके सारे मोमेंट्स को आप मोटिवेट करें ताकि आपके पास ऐसे भी स्कूल है जहां पे आप अपने बच्चों की एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहां पे एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्कूल है और इस यहाँ पर जिस तरह की अब तक की सक्सेस रही है मैं इसका लगातार एक व्यूवर रहा हूँ जहाँ पे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं तो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और डिबेट्स होते हैं तो हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं साइंस सेंटर के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ तक कि ज़मीन सर खुद अपने बच्चों को इसके काबिल बना दें कि वो अपने इनोवेशन से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएँ इसके काबिल बने कि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंक करें तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है जहाँ पर बच्चे सब्जेक्ट को एक सिर्फ सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ रहे बल्कि उसके अंदर से वो बोलते हैं जिस तरह से समंदर से हीरे निकालना या मोती निकालने के बराबर है तो मैं सारे बच्चों की इनोवेशंस को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द फाउंडर ऑफ इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल Zameer सर एंड हिज एंटायर टीम फॉर द वंडरफुल सक्सेस ऑफ 100% रिजल्ट्स इन द पास्ट 10th स्टैंडर्ड SSLC एग्जामिनेशंस. इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड एंड I thank Zameer sir for felicitating the state toppers also. And one of the most important thing that excited me about Innovative International is that we are living in a different scenario. The world is running at a very faster pace and it demands a lot of improvements. So if you want to get success in this world and year after, I believe that we should first be enriched with our own scriptures, which is going to help us a lot by knowing our own scriptures, by learning about our own scriptures, by having attachment to our roots, we can go far away and have achieve whatever the success we can in this world and also hereafter. And congratulate his entire team for getting good results, 100% results in 10th standard. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to thank all the parents
and students for achieving the landmark result. So 100% result of Innovative International School. The highest student who scored was 95%. We are truly thankful for the students' efforts as well as parents' efforts to make sure their children get these great results. Alhamdulillah. So another thing to just to add, to motivate these children, we have had today a graduation ceremony wherein children's been given with the gowns so that they can get this motivation to the next level. And second thing, we would also thought to bring the toppers of the city so that they can also feel immensely for their achievements, whatever they have achieved. This is the wonderful session that we have had, and it was a real great for the children to get motivated and go to the next level. The success for the children is not just scoring in the upcoming in SSLC, but also they should think about their future. They have to plan their goals, how they are going to succeed in the future. And we truly, truly, truly thankful for all the parents and also the guest, the chief guest. Also, he has come over from all the way from Central University, Mr. Azhar. He is in register for the Central University. He's given the nice words to the students to go to the next level. And also, we suggest the children to excel in their future academics and future career and future growth in the future life. Thank you. Jazakallah.